नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस टीवी में। और दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आई हूं जिसका नाम है ईमानदारी का फल। जी हाँ, और मेरी यही स्टोरी आपको ईमान का ज्ञान बताएगी। तो एक बार की बात है, प्रतापगढ़ नाम का एक गांव था। वहां का राजा बहुत ही अच्छा था और बहुत ही समझदार भी था, लेकिन उसको एक सुख नहीं था। उसके पास कोई भी संतान नहीं थी और अब वो अपने ही राज्य में से किसी बच्चे को गोद लेने की सोच रहा था जो कि उसके पूरे राज्य को संभाल सके और आगे की बागडोर सुचारू रूप से चला सके। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए राजा ने अपने राज्य के सभी बच्चों को अपने दरबार में एकत्रित होने की घोषणा की। सभी बच्चे दरबार में एकत्रित हुए और उनको कहा गया, और राजा ने उन सभी को एक एक बीज थमा दिया। उन सभी बच्चों को कहा गया कि 6 महीने बाद तुम ये बीज अपने गमले में लगा करके यहाँ पर लाओगे और 6 महीने तक उस बीज का अच्छे तरीके से तुम उसको सींचोगे और उसको सुंदर सा बनाकर यहाँ पर लाओगे, जैसा भी तुम्हारा बीज उगता है। और ये कहा कि जिसका बीज सबसे खूबसूरत उगेगा उसको हम राज्य का राजा घोषित कर देंगे। और सब में लालसा होती है कि आने वाले राजा इस दरबार के वही बने। सभी बच्चे घर जाते हैं और 6 महीने तक उस बीज को बहुत ही अच्छी तरीके से सींचते हैं। लेकिन उन्हीं में से एक बच्चा होता है राम। राम बहुत कोशिश करता है उस बीज को सींचने की, लेकिन उसका बीज उग ही नहीं रहा है। इस तरीके से 2 महीने गुजर गए, लेकिन अभी भी उसके बीज में कोई हरकत नहीं है। वह परेशान होकर अपनी माँ से बोलता है कि माँ, मेरा तो एक तरीके से देखा जाए तो मैं तो कभी भी राजा बन ही नहीं पाऊंगा, मेरा तो बीज उग ही नहीं रहा है। उसकी माँ ने बोला, बेटा चाहे तुम्हारा बीज उगे या ना उगे, लेकिन तुम्हें अपनी ईमानदारी दिखानी है। ये बीज जैसा भी होगा तुम्हें इसी हालत में लेकर के 6 महीने बाद इसको दरबार में पहुँच जाना है। लेकिन फिर भी वो आस लगाकर 6 महीने तक उसकी पूरी तरीके से सींचता है और उसकी पूरी देखभाल करता है। 6 महीने बाद भी वही हाल रहा, उस बीज में कोई हरकत ना हुई। इसके बावजूद वो अपना गमला लेकर जो कि खाली था लेकर के दरबार में पहुंचता है। सभी बच्चे दरबार में एकत्रित हो चुके थे, सभी के गमलों में बेहद खूबसूरत पौधे उगे हुए थे। राम को थोड़ी सी निराशा हुई कि सभी के गमलों में इतने खूबसूरत खूबसूरत पौधे हैं और मेरे में कुछ है ही नहीं। लेकिन फिर भी वो इसी तरीके से दरबार में खड़े रहे, सभी एकत्रित हुए। अब राजा का प्रवेश हुआ। राजा ने सभी के गमलों को देखा और उसकी नजर राम पर गई। उसने राम के गमले में देखा कि कोई पौधा ही नहीं, और इसी बात को देखते हुए राजा ने राम को सभी बच्चों के सामने आवाज लगाकर अपने पास बुला लिया। राम शर्मिंदा होता हुआ सामने गया और सभी बच्चे राम का गमला देखकर जोर जोर से हंसने लग गए। इस पर राजा ने कहा कि हंसने की जरूरत तुम्हें नहीं है, इसे है, वो भी तुम्हारी हालत पर, क्योंकि मैंने जो भी बीज तुम सबको दिए थे वो सभी बीज बंजर थे और उनमें से दूर दूर तक कोई भी पौधा उगने की कोई आशा ही नहीं थी। और तुम सबने बेईमानी करी, तुम सब में लालसा थी राजा बनने की, लेकिन तुमने अपनी ईमानदारी नहीं दिखाई, तुमने अपना ईमान का ज्ञान नहीं दिखाया और नकली पौधा लगाकर जो कि मैंने तुम्हें दिया ही नहीं था उसको तुमने सींच कर यहाँ पर अपने गमले में लगाकर ले आई। जबकि राम ने अपनी ईमानदारी दिखाई और अपनी ईमानदारी इस बात की चिंता ना करते हुए कि ये पौधा उगा ही नहीं है, फिर भी वो सबके सामने प्रकट हुआ। और इसी बात से बेहद खुश होते हुए राजा ने राम को अपने राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया। तो दोस्तों, अब ये कहानी तो यहीं पर खत्म हो गई, लेकिन इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिलता है, ये बात ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम भी आप सभी से यही गुजारिश करेंगे कि ईमानदारी कभी भी किसी को भी निराशा नहीं देती। आज नहीं तो कल ईमानदारी का फल अवश्य मिलता है। और सभी पेरेंट्स को, सभी माता पिता को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने बच्चों को ईमानदारी की ही शिक्षा दे, ताकि आगे जाकर वो भी अपने जीवन में सफल हो सके। अगर आप सचमुच में हमारी बातों से सहमत हैं और आप भी ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसे ही अन्य मोटिवेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।